आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम अपना दूसरा और आखिरी अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच ये वार्म अप मैच 28 मई 2019 को खेला जाएगा, जो कि इससे पहले भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 के अपने पहले ही अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 मई को काफी शर्मनाक हार मिली थी टीम इंडिया को, जो कि 6 विकेट से हार मिली थी, जहां टीम इंडिया के सारे बल्लेबाजों ने काफी खराब परफॉर्मेंस किया था, जो कि टोटल 179 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जहां पर जडेजा और हार्दिक पांड्या ने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। तो इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी इस छोटे टोटल को डिफेंड नहीं कर पाए थे। तो वहीं फील्डिंग भी कुछ ज्यादा खास नहीं रही थी भारतीय टीम के खिलाड़ियों का पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इन सारे ही गलतियों को भुलाकर भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त वापसी, जबरदस्त कमबैक करना चाहेगी और यह मुकाबला जीतकर एक जबरदस्त शुरुआत करना चाहेगी वर्ल्ड कप 2019 में, जहां भारतीय टीम के वर्ल्ड कप 2019 का पहला मुकाबला 5 जून को खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने एक और बहुत ही बड़ा और कठिन फैसला लिया था, जो कि टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और ये भारतीय टीम जानती है कि जब भी टीम इंडिया चेस करती है तो बड़े आसानी से मैच जीत सकती है, लेकिन जब पहले बैटिंग करती है तो मैच जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो भी इंग्लैंड जैसी पिचों पर। दोस्तों वैसे तो भारतीय टीम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है और वर्ल्ड कप 2019 का खिताब भी जीतने का सबसे बड़ी प्रबल दावेदार मानी जा रही है टीम इंडिया, लेकिन पहले अभ्यास मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का काफी शर्मनाक परफॉर्मेंस रही थी, जिसके चलते 6 विकेट से हार मिली थी टीम इंडिया को, लेकिन अब दूसरे अभ्यास मैच में भारतीय टीम जबरदस्त वापसी करना चाहेगी, एक जबरदस्त टीम उतारेगी बांग्लादेश को हराने के लिए। ऐसे में काफी कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं टीम इंडिया में, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच यह मुकाबला 28 मई 2019 को खेला जाएगा, और यह मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, और यह मैच भी शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगा यानी कि 3 PM से। अब दोस्तों बिना देरी किए चलिए बात करते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ियों के बारे में, जो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे इस अभ्यास मैच में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नॉनस्टॉप प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसा कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच, और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों के बारे में, जो बांग्लादेश के खिलाफ इस दूसरे वार्म अप मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि विजय शंकर जहां पहले वार्म अप मैच में नहीं खेल पाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि उससे पहले वो प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके दाएं हाथ में चोट लग गई थी, जिसके चलते वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन यहां पर बीसीसीआई ने अब कह दिया कि विजय शंकर 100% फिट हैं। ऐसे में वो इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे टीम इंडिया की तरफ से। तो वहीं केदार जाधव भी पहले अभ्यास मैच में नहीं खेल पाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, हालांकि केदार जाधव इस टाइम पर 100% फिट हैं, जो कि केदार जाधव वर्ल्ड कप से पहले अनफिट थे, चोटिल थे, लेकिन दोबारा अपनी इंजरी रिकवर करके फिट होकर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करी है। ऐसे में यहां पर टीम इंडिया पहले अभ्यास मैच में इन पर कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाह रही थी, ऐसे में इन्हें पहले मैच से भी बैठाया गया था और भारतीय टीम पहले वार्म अप मैच में सिर्फ 13 खिलाड़ियों के साथ ही मैदान पर उतरी थी। ऐसे में इस मैच में पूरे 15 खिलाड़ियों को खिलाया जा सकता है। आपको बता दूं कि कोई भी टीम वार्म अप मैच में अपनी पूरी टीम उतार सकती है, यहां पर कोई भी प्लेइंग 11 नहीं होता है, ऐसे में 15 खिलाड़ियों को उतार सकती है सभी टीम। तो गाइस चलिए बात करते हैं भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों के बारे में जो खेलेंगे दूसरे वार्म अप मैच में। तो सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर होंगे रोहित शर्मा, जबकि नंबर 2 पर होंगे शिखर धवन, जो कि ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में ओपनिंग की बल्लेबाजी करेंगे और जबरदस्त बल्लेबाजी करके अपने लैब में वापस आना चाहेंगे। वहीं इसके बाद नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन, जबकि नंबर 4 पर होंगे केएल राहुल। वहीं इसके बाद नंबर 5 पर होंगे विजय शंकर, जबकि नंबर 6 पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी। वहीं इसके बाद नंबर 7 पर होंगे दिनेश कार्तिक। अगर बात की जाए नंबर 8 की तो नंबर 8 पर होंगे केदार जाधव, जबकि नंबर 9 पर होंगे हार्दिक पांड्या। वहीं इसके बाद नंबर 10 पर होंगे जडेजा। अगर बात की जाए नंबर 11 की तो नंबर 11 पर होंगे भुवनेश्वर कुमार। तो वहीं इसके बाद नंबर 12 पर होंगे कुलदीप यादव, चाइना मैन स्पिनर। अगर बात की जाए नंबर 13 की तो नंबर 13 पर होंगे जीवंदर चहल। तो वहीं इसके बाद नंबर 14 पर होंगे जबरदस्त फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी, जबकि नंबर 15 पर होंगे यॉर्कर किंग यानी कि जसप्रीत बुमराह। दोस्तों ये रही भारतीय टीम के वो सारे ही खिलाड़ी जो बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में खेलेंगे। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपनी राय जरूर दें। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, इंडिया या फिर बांग्लादेश की टीम।